नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई आनंद नगर में पुलिस कर्मचारी ने दुकानदार के साथ की मारपीट, सीसीटीवी वीडियो वायरल होने एवं व्यापारी संगठन के डीसीपी से गुहार लगाने के बाद मामला हुआ गर्म। कहते हैं कि जिस समाज में रक्षक यदि भक्षक बन जाए तो उस समाज का बेड़ा गर्क होना तय हो जाता है। वसई नाला सुपारा से पिछले 2-3 दिनों में ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिनमें समाज के रक्षक खुद भक्षक बन गए। किसी गुट में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उस लड़ाई झगड़े को खत्म करवाकर शांति का माहौल पैदा किए जाने की जिम्मेदारी जिस पुलिस विभाग की है, उसी पुलिस विभाग के कर्मचारी द्वारा लोगों के साथ या तो मारपीट की गई है या मारपीट हेतु उकसाया गया है। ऐसे मामले 2 दिनों में सामने आए हैं जिनमें से एक मामला नाला सुपारा के पांडे नगर का है, जिसमें 2 गुट बजरंग दल एवं पारदी समाज के आपसी लड़ाई झगड़े में एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता के चलते गिरफ्तारी तक हुई है। वहीं दूसरा मामला वसई के आनंद नगर में एक दुकानदार से कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी के द्वारा मारपीट किए जाने का है। दरअसल स्क्रीन पर दिखाई दे रही सत्यम मैचिंग सेंटर नाम की दुकान के संचालक, जिसका नाम जयेश माली है, का आरोप है कि बीते रविवार की रात को उनकी दुकान के सामने रास्ते पर बैठने वाले हॉकर, जिसे सामान्य भाषा में हम फेरी वाला के नाम से जानते हैं, उन हॉकरों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। आपस में मारपीट करते हॉकर जब जयेश माली की दुकान के सामने आ गए और मारपीट करने लगे, तब जयेश ने उन फेरी वालों को वहां से हटाया। थोड़ी देर बाद उन हॉकर में से एक हॉकर की पैरवी करते हुए एक पुलिसकर्मी, जो कि वसई गांव का निवासी और नवगढ़ के किसी पुलिस थाने में कार्यरत है, ने सत्यम मैचिंग सेंटर पर आकर उसके संचालक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी और तोड़ दुकानदार जयेश के साथ उसके 15 वर्षीय पुत्र को भी मारने लगा। इस घटना के बाद दूसरे दिन पीड़ित दुकानदार ने मणिकपुर पुलिस थाने में जाकर उस आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। तब मणिकपुर पुलिस ने एनसी रजिस्टर कर मामले की जांच शुरू की। पीड़ित दुकानदार ने मीडिया को अपना बयान देते हुए प्रशासन से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। बाद में व्यापारी संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने DCP जोन 2 संजय पाटिल से भी उनके कार्यालय पर जाकर मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, पीड़ित दुकानदार, जो कि मूल रूप से राजस्थानी है, जो वसई नाला सुपारा अंतर्गत हमेशा अलग अलग सामाजिक कार्य में खुद अपना योगदान देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर आपका नाम? जयेश माली, मैं ये सत्य मैचिंग का प्रोपराइटर हूँ। जयेश जी, आपके साथ में क्या हो रहा है? रविवार को 9 बजे रात को मेरी दुकान पे कस्टमर का फुल क्रोध था एकदम, और लेडीज खड़ी थी यहाँ पे सामने, 2 हॉकर लोग झगड़ा कर रहे थे, और जैसे ही वो हॉकर लोग का झगड़ा चालू हुआ, कुश्ती के मुताबिक बहुत बड़ा वो लोग ने झगड़ा किया और यहाँ पे आकर गिरे करके, तो मैं दुकान से बाहर आकर के उसको जरा इधर से हटाया, तो सामने कोई वसई गांव का कोई पुलिस वाला लौंडे करके है, वो इधर आया दौड़ के मेरे पास, बोलता तुमने हॉकर लोगों को कैसा धक्का कैसे मारा करके, तो वो डायरेक्ट मेरे अंग पे आया और मेरे को मारने का चालू किया। उसके बाद में उसने 5-10 मिनट के बाद उसकी औरत को फोन करके बुलाया और उसके दोस्त लोग को फोन करके बुलाया और वो मेरे को इधर मारना चालू किया। इस बीच में सामने मेरा लड़का आया, तो वो लड़के को भी मेरे को मारा करके, और मेरे लड़के के गले में एक चैन था, उसकी घड़ियाल था, वो लोग ने तोड़ के ले लिया करके, और मेरे को मारते मारते इधर से 4 दुकान आगे लेकर के गया करके। फिर मेरे व्यापारी आया और उनका 20 बचाव किया। उसके बाद में मणिपुर पुलिस स्टेशन गया, मणिपुर पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ पर भी करके जो मेन PI साहब नहीं थे संडे का दिन होने की वजह से, तो वहाँ पे जो थाने अमलदार वगैरह बैठे थे उनके सामने मेरे को माँ बहन का गाली दे रहा था, बोला पुलिस वाला क्या मेरा उखाड़ेगा करके, और तेरे को मैं बाद में देख लेता हूँ करके, और ऐसा करके मेरे को बहुत उसने मारा करके। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत पुलिस स्टेशन में की थी, ये घटना परसों हुई थी, लेकिन कल 9 बजे तक खाली उसके ऊपर NC दाखिल किया, जबकि उसने मेरे दुकान के अंदर आकर के मारण किया है, जो उसके ऊपर कलम लगनी चाहिए, जो FIR होनी चाहिए, वो अभी तक पुलिस ने की नहीं है। आपकी क्या मांग? मेरी मांग है पुलिस के ऊपर, मेरी दुकान के अंदर आकर के उसने मेरे को मारा है, मेरे लड़के 15 साल का मेरा लड़का स्टूडेंट है, खाली वो संडे के दिन दुकान पे आता करके उसको इसने मारा, उसको भी कान को लगा, तो उसके ऊपर जो बकाया गुना दाखिल होता है वो गुना दाखिल होना चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए करके। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।